मातृशक्तिवत पुरुषों, परमात्मा का दिया हुआ यह जीवन अनुपम उपहार है, अनंत संभावनाओं से युक्त। इसलिए जीवन गीत है, संगीत है, खेल है, नाटक है, प्रवाह है, यात्रा है। जीवन परिवर्तन का नाम है, निरंतर परिवर्तन चाहिए जीवन में। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव परमानंद है, परमेश्वर है। यह एक ऐसा प्रवाह है जो परमात्मा के समुद्र से मिल जाना चाहता है। जीवन एक ऐसा नाटक है जिसमें हर दिन हमें संसार के रंगमंच पर अनेक प्रकार के ऐसे नाटक करने पड़ते हैं, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का। लेकिन नाटक करने वाला बाहर से जरूर रोता है, हंसता है, लेकिन अंदर प्रभाव नहीं आने देता। जीवन के रंगमंच पर इस बात को ध्यान रखना होता है कि अंदर से तुम अपने आनंद रस में रहो, बाहर से भले ही जो भूमिका दी जाए उसे अच्छे पूर्वक आप निभा सकें। ये जीवन एक ऐसा अद्भुत संगीत है जिसमें परम की अनुगूंज हमारे अंतर से प्रकट होना अनिवार्य है, क्योंकि दर्द के, रोने के, शिकायतों के स्वर तो बहुत उठ गए। कुछ सकारात्मक स्वर होने चाहिए। इस पूरी धरती को तरह तरह के लोग हैं जो निरस कर रहे हैं, दर्द से भर रहे हैं, विकृत बुद्धि, विकृत मानसिकता, समाज में हिंसा का तांडव करने के लिए तत्पर खड़े हैं। प्रेम वाले लोगों को संसार में प्रेम के फूल खिलाने हैं। कभी कभी हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, उल्टे को उलटना पड़ता है जिससे सीधा हो जाए। इसलिए उस समय हमारे अंदर योद्धा वाली शक्ति चाहिए। जीवन को कवित्व बनाएं, इसके अंदर से कुछ लयबद्धता भी प्रकट होनी चाहिए। लेकिन जड़ यंत्र की तरह हिसाब किताब में लगे रहना जीवन नहीं है। इसने मुझे क्या दिया, मैंने इसके लिए क्या किया, मैं तो करता ही जा रहा हूँ, ये मेरा ध्यान नहीं रखता। इस हिसाब किताब में अगर माँ पढ़ेगी तो बच्चे को पाल नहीं पाएगी, पिता पढ़ेगा तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, गुरु अगर हिसाब किताब में पड़ गया तो फिर संसार का पूरा ही संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जीविका को जीवन नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि जीविका उपार्जन के साधन शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को मिल रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं रोजी रोटी कमाना, लेकिन इतना ही जीवन नहीं है। लिविंग को लाइफ नहीं समझा जाए। शरीर से आगे भी कुछ है, बुद्धि। बुद्धि का विकास समस्त शिक्षा सदनों में होता है और वहाँ पर हमारे आईक्यू को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब पूरी दुनिया भर में खोज हो रही है कि आईक्यू लेवल के साथ साथ अब ईक्यू लेवल भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के बाद आगे आता है भावनाओं का संसार। हमारी जो इमोशन है उनका भी अपना एक संसार है। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं शरीर के अंदर, जो हमारी ग्रंथियां हैं जो भावनाएं उत्पन्न करते हैं, इन भावनाओं का भी एक संसार है। रिश्ते इसी से चलते हैं, लेकिन इससे भी आगे एक और रूप है आत्मा का। आत्मा का वह स्वरूप है जहां आनंद का साम्राज्य है। हमें यात्रा को इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। शरीर देव मंदिर है, इस देवालय का ध्यान रखना, आरोग्य को प्राप्त करना, प्राण शक्ति को प्रबल बनाना, इस पर पहली दृष्टि जानी चाहिए। अनिवार्य रूप से चार बातें याद रख लेनी चाहिए। आपके जीवन के लिए आवश्यक है सबसे पहले आरोग्यता, उसके बाद अगला स्थान देंगे आर्थिक आत्मनिर्भरता को। ध्यान रख लेना जो मैं कह रहा हूँ उसे आप याद रख लें कि आपके लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी आरोग्यता को, अपनी सेहत को। दूसरे नंबर पर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें।
तीसरी चीज पारिवारिक प्रसन्नता, परिवार में प्रेम प्रसन्नता का वातावरण बना रहना चाहिए। और चौथी चीज जिस पर और भी ज़्यादा ध्यान दें, पहला हुआ आरोग्यता, याद रख लीजिए। दूसरी चीज हो गई आप सभी के लिए आवश्यक आर्थिक आत्मनिर्भरता, रुपए पैसे से आप स्वयं पर निर्भर करें, दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और ये स्थिति आपको बुढ़ापे के अंतिम चरण तक बनाकर रखनी है, अपने बच्चे के आगे भी हाथ नहीं फैलाना, ये याद रख लेना। मांगने वाले मत बन जाओ, मांगने की आदत छोड़ दीजिए। युग ऐसा आ गया, इस युग में आप देखेंगे बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है। शादी होते ही ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त की हुई बहू अधिकांश रूप से ये देखने में आया है, आते ही अपने पति के कान में धीरे से बोलती है, देखो जी अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम भी पहला काम यही करना, इनके साथ हमारा गुजारा नहीं होगा, लड़ झगड़ कर अलग हों तो क्या फ़ायदा, प्रेम से ही अलग हो लेते हैं। तो रामायण घर में नहीं रही, महाभारत आ गई, जबकि महाभारत पढ़ी नहीं, पता नहीं कौन पढ़ा देता है। निवेदन करना चाहता हूँ इस युग में आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुछ कुछ किस्मत ऐसी होती है, हम अच्छा कर रहे होते हैं फिर भी बुरा होता है। बड़ा अच्छा लिखा किसी ने, कोई तो है जो लिखता है किस्मत इन पत्थरों की, कोई तो है जो लिखता है किस्मत इन पत्थरों की, कि किसको ठोकरों में रहना है और किसे भगवान बनना है। कौन पत्थर ठोकर में पड़ा रह जाता है और कौन मंदिर में जाके सजता है। पर मनुष्य के हाथ में भगवान ने बहुत कुछ दिया। हम गीता के पवित्र ज्ञान पर चर्चा करेंगे, लेकिन भूमिका के रूप में जो आपको बताना चाहता हूँ, ये संकल्प कर लीजिए अपने मन में कि प्रथम कार्य हमारा आरोग्यता है, दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता, तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है आपके घर में प्रेम प्यार प्रसन्नता का वातावरण। राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास में गए, एक पर्णकुटी में अपना डेरा जमाया, लेकिन कोई ऐसा दिन और कोई ऐसी शाम और कोई सुबह ऐसी नहीं थी जब उस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर मुस्कराहट न खेलती हो। कम साधन हो जाना बुरी बात नहीं, लेकिन अंदर प्रसन्नता और प्रेम का सूख जाना सबसे बुरी बात है। अपने अंदर प्रेम को प्रसन्नता को खिलाए रखो, भले ही झोंपड़ी में बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीना आ गया आपको। अद्भुत बात है कि राम जी बैठे हुए हैं और ग्रीष्म ऋतु गर्मी का महीना आ गया, लुएं चलते चलते पेड़ सूख गए, हरियाली सूख गई, सब पेड़ सूखे हुए हैं। और ऐसे में एक पेड़ जिसके नीचे किचन का रसोई का काम होने से जो पानी गिरता था, बेल उगकर पेड़ के ऊपर ऐसी चढ़ गई कि वो पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है। अब राम जी को सूझा पहले तो ये कि जनक नंदनी सीता इतने प्रेम प्यार में पलकर ये राजकुमारी विवाहित होकर अयोध्या में आई और मेरे साथ यहाँ कष्ट भोगने के लिए इस वन में चली आई और यहाँ इतनी गर्म झुलसाती हुई हवाएं चल रही हैं, उसके बाद भी इसने कभी शिकायत नहीं की। इसका स्वभाव कितना अच्छा, कितना प्रेम है मेरी इस छोटी सी कुटिया में। तो राम जी को सोचा कि कुछ प्रशंसा के शब्द कहे जाएं,
लेकिन प्रशंसा अगर सीधे सीधे कही जाए तो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। राम जी मर्यादा वाला रूप रखते हैं, इसलिए उन्होंने सीता जी की प्रशंसा में इस तरह से शब्द कहे, सीते पूरी धरती वन की इस समय घास तक जल गई है, पेड़ रूखे सूखे और एक ये पेड़ कुटिया के साथ वाला अब हरा भरा दिखाई दे रहा है। अपने कारण नहीं, बेल ने इसको कितना सजा दिया है, हरा भरा लग रहा है। पेड़ सूखा है, निरस है, बेल हरी भरी, इसने अपनी हरियाली से इसे कितना सुंदर बना दिया। ये बेल का अद्भुत रूप है, बेल सूखे को भी हरा भरा कर देती है। कहना ये चाह रहे थे कि पेड़ तो पुरुष है, सूखा एकदम सूखा, और नारी बेल है, नारी ने अपनी हरियाली से इस पेड़ को भी सजा दिया है। कहना चाह रहे थे कि मैं भी यहाँ सूखा ही था, तुम्हारे आने से मैं कितना हरा भरा हो गया हूँ, ये उन्होंने प्रशंसा में कह दिया। सीता जी बड़ी बुद्धिमती हैं, समझ गई बहाना बेल का है, तारीफ नारी की, और नारी की ही नहीं हमारी तारीफ हो रही है, हमारी प्रशंसा में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि हमारे लिए ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ इस ग्रीष्म ऋतु में कष्टों वाले वातावरण में, तप वाले वातावरण में आकर बैठा हूँ, और तुम सुख सुविधा में पली हो, फिर भी तुमने किसी तरह से उफ तक नहीं की और यहाँ मेरे जीवन को हरा भरा बना रही हो, तो ये सब कहना चाह रहे हैं। सीता जी ने कहा कि आप कहते हैं पेड़ हरा भरा दिखाई देता है बेल के कारण, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, बेल के कारण पेड़ हरा भरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी तो जरा सोच के देखिए, यदि बेल को पेड़ का सहारा न मिलता तब क्या होता? पेड़ का सहारा न मिलने के कारण भूमि पर रहती बेल और कोई जानवर खा जाता, या फिर वहीं पड़ी पड़ी सूख जाती। आज आसमानों की ऊंचाइयां छू रही है ये बेल, क्योंकि पेड़ ने इसको सहारा दे दिया, तो सबसे ज़्यादा हरी भरी दिखाई देती है। किस्मत वाली है बेल, इसको पेड़ का सहारा मिला। मतलब ये कि तुम्हारा सहारा मिला तो झोंपड़ी में भी मेरा स्वर्ग है, आपका साथ न मिलता तो महल में भी मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी, इसलिए आपके कारण ही शोभा है, मेरा सौभाग्य है कि आपका सहारा मिला। अब दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, और बहाना क्या है? बेल का, पेड़ का। राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि पेड़ तो बहुत हैं, कोई हरा भरा नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रहा है ये पेड़ क्योंकि बेल के कारण हरा भरा है, ये तो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी कह रही हैं बेलें तो और भी उगी होंगी, दिखाई कोई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उनको सहारा नहीं मिला इसलिए नहीं दिखाई देती, जिसको सहारा मिल गया वही दिखाई दे रही है, इसीलिए तो बेल के कारण पेड़ की शोभा नहीं है, पेड़ के सहारा देने के कारण बेल का सौभाग्य जागा है। अब झगड़ा शुरू, झगड़ा भी हमारा आप जैसा नहीं है, ये विवाद प्रेम का है, प्रेम के विवाद में प्रेम और बढ़ता है, और लगता है कि कोई हारना नहीं चाहता क्योंकि सब एक दूसरे की तारीफ करके उसको खुशी दे रहे हैं। राम जी कहते हैं बेल के कारण पेड़ की शोभा, और सीता जी कहते हैं नहीं, पेड़ के कारण बेल की शोभा है, पेड़ ने सहारा दिया, आप कहते हो बेल के कारण शोभा है, नहीं पेड़ के कारण शोभा है, राम जी कहते हैं बेल के कारण शोभा है, सौभाग्य है पेड़ का इसको बेल मिली, सीता जी कहते हैं सौभाग्य है बेल का कि इसको पेड़ मिला। और फिर फैसला कराना जरूरी था,
तो बुलाया लक्ष्मण को। लखनलाल जी दूर थे, आवाज़ दी गई भैया आओ, निपटारा करो, जजमेंट दो, ये बताओ पेड़ के कारण शोभा है या बेल के कारण शोभा है। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए कि देखो पेड़ सूखा लगता था, बेल ने इसको हरा भरा कर दिया। राम जी बोले सामने दिखाई दे रहा ना, प्रत्यक्ष उदाहरण है ना, बेल के कारण पेड़ की शोभा है। सीता जी बोली लक्ष्मण फैसला बाद में करना, पहले मेरी सुन लेना, मैं ये कहना चाहती हूँ बेल अगर पेड़ का सहारा लेकर आसमान तक न पहुँचती तो ये बेल बेल ना होती, कितनी भी उगी होंगी बेलें उनका नाम निशान भी नहीं दिखाई देता। इस पेड़ ने सहारा दे दिया तो बेल आज आसमान की ऊंचाई छू रही है। पेड़ के कारण बेल की शोभा है, बेल के कारण पेड़ की शोभा नहीं है। लक्ष्मण समझ गए, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और मुझे बीच में फंसा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, ना पेड़ के कारण शोभा है ना बेल के कारण शोभा है, जो इन दोनों की छाया में आके बैठ जाए वो ज़्यादा शोभाशाली, वो मैं हूँ। हम भाग्यशाली ज़्यादा हैं, ना पेड़ भाग्यशाली ना बेल भाग्यशाली, जो दोनों की छाया में आके बैठ जाए वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। इसलिए आप अपना भूल जाइए, हमको याद कर लीजिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप दोनों की छाया में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी किस्मत तो कितनी अच्छी है। अब आप समझिए, इतना ही कहना था और हंसी का वातावरण इतना फैल गया, हंसते हंसते लोटपोट हो गए सब, क्योंकि इस घर में किसी की भी मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहती। जिस घर में हर आदमी की मैं दूसरे को छोटा करने में लगी हुई है वहाँ विवाद बढ़ेंगे। वे भले ही महलों में रहते हों, उनका महल नरक होने में देर नहीं लगाता। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-1086-283456-56 और 283447-67, टोल फ्री नंबर 1800-118188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली